स्वागत है आप सबका हमारे साथ। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आज बात करते हैं पुलिस प्रशासन से जुड़ी खबर। जी हाँ, पुलिस प्रशासन ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। जी पुलिस पिनंगवा थाने की हम बात कर रहे हैं। पिनंगवा थाने के चेकिंग के दौरान अवैध हथियार से पुलिस पर हमला बोलने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रशासन ने दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अवैध हथियार भी उन दोनों से बरामद कर लिए गए हैं। पिनंगवा थाना प्रभारी रतनलाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिनंगवा थाना प्रभारी रतनलाल ने बताया कि उनकी टीम आईटीआई मोड़ पर गश्त के दौरान वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से दो बाइक सवार आए और अवैध हथियार से पुलिस प्रशासन पर उन्होंने हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद उसके बाद उन्होंने कोशिश की और उन बदमाशों ने जैसे वापिस दोबारा से बाइकों को भगाना शुरुआत किया, तो लेकिन पुलिस प्रशासन ने कड़ी मेहनत के साथ उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद प्रभारी साहब ने बताया, थाना प्रभारी ने कहा, हमारे SI सुरेंद्र सिंह जब वाहन चेकिंग कर रहे थे तो तभी सामने से एक बाइक रुकवाने पर उनकी टीम पर देसी कट्टे से हमला बोला गया। जी हाँ, पुलिस ने दोनों आरोपियों से देसी कट्टा सहित एक कारतूस बरामद भी किया है। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन ने दो के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने पर, अवैध हथियार से जानलेवा हमले करने पर मामला दर्ज कर लिया गया। उसी के साथ दोनों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर कोई कट्टा तो क्या, इस वक्त में कोई गलतफहमी भी करता है तो केस तो उनको भुगतना पड़ेगा और इसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। बने रहिए आप हमारे साथ। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपको लगातार आपको खबर देते हैं और सबसे पहले आपको खबर मिलेगी वो आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। आज मैं और मेरा स्टाफ ITI मोड़ कस्बा पनहुआ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे कि अचानक ही दो नौजवान लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। वह नाके से करीब 100 मीटर पहले ही रुके और नज़दीक और थोड़ा और नज़दीक आए और सीधा ही हमारे ऊपर फायर कर दिया, जो मैंने और मेरे मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को काबू किया। जो दोनों से ही एक कट्टा व एक रौंद बरामद किया जा चुका है, जिनके नाम, एक का नाम कासिम और होकल्ली सनोत इलियास और इल्ली आरो उमरा है, वह दूसरे का नाम उस्मान और मोइन पुत्र गफ्फार आरो गंडूरी है, जिनके बारे में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, तफ्तीश जारी है। अभी तक आरोपियों के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं चल सका है कि इनके खिलाफ कोई अन्य मुकदमा दर्ज हो। नहीं, कोई चोट नहीं लगी।